धन्यवाद श्री विवेक गुप्ता जी, 7 मिनट का समय है, समय का ध्यान रखिए। सर चेष्टा करूंगा। सर आपके माध्यम से सर, मैं वित्त मंत्री से सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये बजट आखिर किसके लिए था, ये फाइनेंस एक्ट किसके लिए बनाया गया था। सर क्यों मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, मेरी समझदारी कम है। 125 करोड़ लोग भारत में हम लोगों की तरफ, इनकी तरफ देखते रहते कि बजट में उनको कुछ मिलेगा। मैंने पूरा फाइनेंस एक्ट उठा के पलट लिया, मुझे उनके लिए कुछ नहीं मिला। मुझे ये जरूर मिला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ब्यूरोक्रेट, इन लोगों के लिए भरपूर मसाला दिया गया है, इनको काम दिया गया है ताकि ये लोग हमारे टैक्स पेयर हों या जो आम आदमी हो उसकी जीवन को कैसे और ज़्यादा कठिन बनाएं, उसके सारे रास्ते किए हुए हैं। सर उसी का नतीजा है कि हमारा रैंक विश्व में 157 नंबर पर आया है। सर हम लोग इस सरकार में सुनते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर और पता नहीं सर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो हो नहीं रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग करप्शन ज़रूर हो गया है। इसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। सर इतने कानून में सर एक कई कुछ आंकड़े देते रहते वित्त मंत्री जी कभी कभी कि भारत में कितने टैक्स पेयर हैं, ये हैं वो। सर इतने आप कानून में अगर चेंज करेंगे, कैसे एक आम आदमी उसको समझ सकेगा और कैसे उनके साथ कंप्लायंस कर सकेगा? कोई आपकी नीति में कोई तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सर दूसरा, ईज ऑफ डूइंग करप्शन में क्यों कहता हूँ, इनकम, सब जानते हैं सर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो घूसखोरी का एक बहुत बड़ा अड्डा और एक बहुत बड़ा वो बन गया। सर मैंने खुद कभी कभी मंत्री जी से एक दो बार शिकायत की, शिकायत का नतीजा ये हुआ उस ऑफिसर का प्रमोशन हो गया। सर आपके लिए ये भी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बता दूं, शायद उनको नहीं पता हो कि सबसे बड़ा लिटिगेंट, हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि कोर्ट में इतने करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, सर सबसे बड़ा लिटिगेंट मतलब सबसे बड़ा केस करने वाला खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसमें 57% टैक्स रिलेटेड केसेस हैं। सर बट अभी बधाई देनी चाहिए कि अभी हमारे वित्त मंत्री ने इसको कोर्ट केस की लिमिट को बढ़ाया है, मगर सर जहाँ तक अफसरों की जवाबदेही पर सवाल आता है, पता नहीं क्यों ये सरकार चुप हो जाती है। 2014 में चुनाव के पहले नितिन गडकरी जी, मोदी जी, इन सब ने अपने अपने भाषणों में कहा था कि 6 लाख इंस्पेक्टरों से मैं भारत को आज़ादी दिलाऊंगा। सर ये पता नहीं आज़ादी किसको मिली, हम लोगों को तो नहीं मिली। सर सर एक सुझाव है आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के लिए कि जैसे हम लोगों को अपना इनकम का ब्यौरा, अपनी एसेट्स का ब्यौरा देना पड़ता है, जो इनके टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी थोड़ा ब्यौरा देने के लिए कहा जाए और कम से कम ये जवाबदेही उनसे मांगी जाए कि उन्होंने एक वर्ष में कितने नोटिस दिए, कितने उन्होंने केस किए, कितने केस डिस्पोज हुए, उनसे कितना आय उन्होंने अदायगी करी, कितना नहीं किया। ये अगर करेंगे तो सर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आएगा जिसका ये सरकार क्लेम करती है। सर इस फाइनेंस एक्ट को पढ़ते पढ़ते एक चीज़ मिली, शायद इनका ध्यान नहीं गया, आपके माध्यम से ध्यान आना चाहूँगा। अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसमें कोई तरह का डिस्प्यूट नहीं है, 10,000 करोड़ के टैक्स डिमांड है जो 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। सर इससे एक पूरे साल का मनरेगा का खर्चा निकल सकता है, तो अगर वो चाहें तो इस अमाउंट को ले आएँ, वो हम लोगों के सबके काम में आ जाएगा। सर एक 2005 से कानून चला आ रहा है, मैंने इस बारे में मंत्री जी को पत्र भी लिखा, यहाँ सदन में भी उठाया था, आज फिर आज मौका मिला तो बताना चाहूँगा। सर एक अजीब स्थिति है, एक भारतीय नागरिक को एक भारतीय एयरलाइन में भारतीय खाना खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी यूज़ करनी पड़ती है। सर आप कलकत्ता से, दिल्ली से, कहीं से भी अगर बैंकॉक जाएं या सिंगापुर जाएं, इंडिगो में या किसी भी एयरलाइन में जहां खाना बिक्री होता है, वो आपसे इंडियन करेंसी नहीं लेते हैं। भले ही आप जहाज इंडियन हवाई अड्डे के ऊपर मतलब इंडियन एयर स्पेस के ऊपर उड़ रहा हो, मगर वो बोलते साहब मुझे डॉलर लाइए या भाट लाइए। सर ये इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है देश में जहाँ एक भारतीय नागरिक को एक भारतीय एयरलाइन में भारतीय खाना खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी का यूज़ करना पड़ता है। अगर मंत्री जी चाहें तो ये ठीक हो सकता है, क्योंकि सिविल एविएशन मंत्री जी ने यही जवाब दिया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इशू है। सर हमारे बंगाल में एक ब्योमकेश बख्शी जी डिटेक्टिव बहुत फेमस हुआ करते थे, सर उनको काम में लगाया जाए, ये समझा दिया जाए हम लोगों को कि आरबीआई जो है ये डिफॉल्टर्स का नाम क्यों नहीं देना चाहती है और ये सरकार सेक्शन 45 आरबीआई एक्ट का क्यों नहीं अमेंड करना चाहती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है सर। सर कुछ कुछ प्रॉब्लम है आम आदमियों के, मैं इंटरनेट पे खोज रहा था तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आई, इनके ध्यान पे लाना चाहता हूँ, मेरा समय कम है।
कि केवाईसी हर छह महीने या हर तीन महीने पे हर आप बैंक में अगर जाएं चाहे नहीं जाएं, हर बार बैंक वाला आपको से केवाईसी मांगता है फिजिकली जा जाके। उसमें कई लोगों को, आम आदमियों को दिक्कत होती है। ई केवाईसी और बहुत सारे ऐसे उपयोग इनको करने थे, उनका अभी तक नहीं हुआ। सर, एक ब्रिटिश जमाने से प्रथा चली आ रही है रेवेन्यू स्टैम्प यूज करने के लिए, वो इनके ध्यान में लाना चाह रहा था। सर, एक मजेदार वो आया TDS के लिए, एक नाम था TDS है सब इनके लिए। वो सर विरोधाभास, यहाँ पर और भी एक इंटरनेट पर पढ़ने सवाल कई लोग पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट अपना माइंड मेकअप कर ले, डेप्रिसिएशन होता है, कहीं पर मैं पढ़ रहा था कंपनीज एक्ट में अलग और इनकम टैक्स में अलग है, एक ही सरकार है, दो अलग अलग कानून में दो अलग अलग, वो क्यों? आप एक ही जगह कर लो, अगर आपको लगता है इनकम टैक्स सही है तो इनकम टैक्स की बात मान लो, अगर कंपनीज एक्ट सही है तो कंपनी टैक्स की बात मान लो। एक ही सरकार दो अलग अलग मत से बात करती है तो लोग खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं। सर, ये इस बजट में कहीं पर रेफरेंस था ऐसा कि भाई अमीर आदमी से लेंगे और वो देंगे, पुराना वो चला आ रहा है सर, बट मैं चाहूँगा कि अमीर में, एंटरप्रेन्योर में और जॉब क्रिएशन में, जो आदमी जॉब क्रिएट करता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क रखा जाए, थोड़ा उन लोगों के बारे में भी ध्यान रखा जाए। सर, विदेशी आके हमारा सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व नहीं करने वाले हैं। इस देश के बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, जैसा हमारे नरेश जी अभी कह रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, वो घट के 17% हो गया है। आप क्यों यहाँ पे क्यों मैन्युफैक्चरिंग घटा, इसका कारण देना चाहता हूँ। सर, हमारे पर सबसे पहले जो अगर मैन्युफैक्चरिंग करके कोई आदमी कमाना चाहता है, सबसे पहले 30% टैक्स है, फिर 3% सरचार्ज है, फिर 1% सेस है। एक तो सर ये हम चाहेंगे, वित्त मंत्री जी से हमारी दरखास्त रहेगी कि अगर 30-3-1 ना करके इसको 34 करके एक साथ ही बोल दिया जाए कि भाई एक साथ 34 दे दो, ये अलग अलग इतना जोड़ घटा हमसे ना करा के खुद इनका डिपार्टमेंट अपने कंप्यूटर में कर ले। सर, जिस चीज़ के लिए भी सेस लगाना अपने कंप्यूटर में से माइनस कर लें। सर, ये 100 में से 34 रुपया गया, 66 रुपया बचा। अब इस पर डिविडेंड टैक्स लगा, 53 रुपया बचा। अब इन्होंने एक 5-10% का एक नया टैक्स और लगा दिया, 48। सर, 52% टैक्स, और हमारे वित्त मंत्री जी बजट स्पीच में कहते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन 23% है। तो सर, ये विरोधाभास कहाँ हो रहा है? हम लोगों को समझा दिया जाए तो हम लोगों को थोड़ा वो होगा। सर, बस एक मिनट और। सर, हम लोगों को कहा जाता है जब सवाल पूछते क्वेश्चन में कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। सर, मेरा एक सुझाव है, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो वित्त मंत्री से कि जितने भी स्टेट सब्जेक्ट है उन मिनिस्ट्रीज का जितना अनुदान होता है वो स्टेट्स को दे दिया जाए, हम लोग अपने हिसाब से खर्चा कर लेंगे। सर, कुछ हमारे बंगाल का आंकड़ा बताना जरूरी है कि सर अगर चाहें तो हमारे बंगाल में कुछ अफसरों को भेज सकते हैं। 5 साल में हम लोगों ने 3 गुना कर दिया, हमारी सरकार ने, अपना टैक्स रेवेन्यू। सर, लास्ट में एंड करना चाहूँगा क्योंकि आपने वो मैं घंटी बजा दी है। घंटी मैंने नहीं बजाई है सर, समय ने बजाई है। सर, अगर सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर वित्त मंत्री जी क्लैरिफिकेशन के रूप में दे दूँ, मेरा अंतिम खाली सुझाव ये रिक्वेस्ट है उनसे कि पेट्रोलियम के दाम से, गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी से, और फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो यूरिया से बचने से, जो आंकड़े, जो रुपए की बचत हुई है वो कहाँ लगा है, किस रूप में लगा वो बता दे सर, क्योंकि ये अमाउंट करीब करीब 1-1.5 लाख करोड़ रुपया होता, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और सर, अंत में स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि मेरा नाम विवेक है तो उन्हीं के नाम से अंत करना चाह रहा हूँ। अगर धन दूसरों की मदद करने में उपयोग हो तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा केवल एक बुराई का एक ढेर है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।